नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र धर्मसिंह बीघा गांव में कलयुगी पोते ने बुजुर्ग दादा को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बुजुर्ग को नाजुक हालत में इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। घायल बुजुर्ग का नाम सीताराम यादव है। बताया जा रहा है कि जख्मी बुजुर्ग ने अपने हिस्से की जमीन अपनी बेटी के नाम कर दिया है, इसी वजह से दादा और पोते में विवाद चल रहा था। इस मामले में बुजुर्ग ने गवाही दिया था। इसी खुन्नस में बुजुर्ग को गोतिया के लोगों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। देर रात जब बुजुर्ग सीताराम आराम कर रहे थे, उसी वक्त गोतिया के लोग हथियार के साथ घर पर चढ़ाए और आराम कर रहे बुजुर्ग को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इसका हुआ, हमें मुंह धो रहा बुराकू से, तो ये हमको ससुर खटिया पर सुतल रहा, गोली मार दिया। कौन मारा? हमको मारा अथी, इसका पोता हमारा जाप हुआ जी, किरीशन के बेटा। क्यों मारा? किरीशन जी रहा। क्यों मारा? राम बाबू तीन आदमी। क्यों मारा गोली? मारा किरीशन के बेटा राम बाबू दो आदमी। क्यों गोली मारा? अथी गोतिया के अथी है, तीन भाई रहा ही बूढ़ा, विवाद चल रहा। क्या चीज का? वो बेटी के संपत्ति निकलते कि जे हम इसका चार बेटा उसका एक बेटा, एगो के एक बेटी, वो अपना संपत्ति लता ही वो वाह चल रही। विवाद चल रहा है कोर्ट में? हाँ कोर्ट में चल रहा है। हाँ कोर्ट में ना चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कहाँ के घटना है? धर्मसिंह विभाग के। कहाँ पड़ता है? कौन है आपके? बाकी पुतु ससुर हुए? हाँ, क्या नाम है उनका? सीताराम। आपका? मालो देवी। वहीं बुजुर्ग को गोली मारने के बाद से ही सभी हमलावर फरार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से आलम की रिपोर्ट।